अवार न्यूज के प्रातकालीन बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं महिदपुर से, जहां आपको बता दें कि एक दिन के सुल्तान की लूटी रियासत, और रियासत इस प्रकार से लूटी कि भाजपा प्रतिनिधि होने के नाते आपको बता दें दादागिरी और रोड झाड़ते हुए नजर आए भाजपा सांसद के प्रतिनिधि। उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील का हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां कई महीनों से महिदपुर में सांसद प्रतिनिधि बनकर नगर पालिका में जबरन रोप झाड़ते हुए दादागिरी कर लोगों को परेशान करना आदत सी बन गई। इसी आदत के कारण सांसद महोदय ने सांसद पत्नी से हटाया गया, जिसमें आयोजित मेले में अपनी फोटो लगाई और उस पर सांसद प्रतिनिधि लिखा, अन्य पार्षदों की फोटो कटवा, कई तरह के आरोप इस व्यक्ति पर लगे हैं, जिसके चलते सांसद ने स्पष्ट कहा था कि केवल एक बैठक के लिए ही से नियुक्त किया गया। बावजूद इसके इसने सांसद फिरोजिया को अंधेरे में रखकर प्रतिनिधि का रूप झाड़ते हुए कई अवैध कार्य करते हुए नजर आए। पहले कब नियुक्ति किया था निर्भय सिंह भाटी, बात को लेकर आप बताया कि सभी बैठकों में हम जा नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं हमको प्रतिनिधि के रूप में भेजना पड़ता है। तो उस एक नगर पालिका की बैठक के लिए मैंने उनको लेटर दिया था और वो बैठक हो चुकी है। तो इसे मैंने कई इससे पहले भी कोविड में भी जो मैंने वार्ड वाइज भी बनाए थे, तो वो जो कोविड ख़त्म हो गया तो वो प्रतिनिधि खत्म। हाँ, निर्भय सिंह भाटी का जैसे आपने संज्ञान में डाला था, फिर मैंने उनके माननीय सांसद मोदी का जो पत्र है उनका अवलोकन किया था मैंने, तो उसमें एक दिन का लिखा नहीं था, पर आज मैंने जैसे उनका चर्चा अनुसार तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि एक दिन के लिए बनाया गया था, तो उससे सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। सर, जिस प्रकार नगर पालिका में नाम लिखा हुआ है, उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उस पर क्या होगा? अब चूंकि मेरे समय में लिखा नहीं गया है, सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया था उस लेटर के आधार पर लिख लिया गया होगा। चूंकि आज गंगावाड़ी मेले वगैरह में सभी तो पोस्टर भी लगे हुए हैं, पोस्टर और फोटो भी लगे हैं और नीचे लिखा हुआ सांसद प्रतिनिधि है, तो अब आगे अपन इसमें क्या करेंगे, क्या पोस्टर पर उसमें नाम हटाएंगे या नहीं? अब चूंकि पोस्टर बहुत ज़्यादा संख्या में लग चुके हैं, अब उसमें तो कुछ नहीं होगा, पर अगली बार कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें